ये आज ईद उल अज़हा या बकरीद के नाम से जो मनाया जाता है, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब उन्होंने उनको हुक्म हुआ अपने बेटे को कुर्बान करने का, और वो चले अपने बेटे को कुर्बान करने, फिर अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज के उनके कुर्बानी को कबूल किया। उसके बाद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया कि इस सुन्नत को हमेशा बाकी रखना है, इसीलिए इस त्यौहार को हम मनाते हैं। और यहाँ दोगाना की नमाज़ अदा करने के बाद हर आदमी अपने घरों पर जाकर कुर्बानी करेगा। ये ईद उल अज़हा की नमाज़ यहाँ पर इस्लाम में जहाँ रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ें हैं, किसी भी खुशी के मौके पर वहाँ 2 रकात नमाज़ का, आज जैसे खुशी है, त्यौहार है, तो एक नमाज़ एक्स्ट्रा हम पढ़ रहे हैं। इस्लाम की तालीमात ही हैं जो सिर्फ घूमने फिरने की नहीं है, हर जगह अपने मालिक को याद करने की है। उसी लिए आज हम एक बार एक्स्ट्रा आज यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इसके बाद जाने के बाद हर घर में कुर्बानी होगी, जो आदमी अपने हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करेगा। 3 दिन यह कुर्बानी होती है, आज पहला दिन, कल और परसों, 3 दिन यह कुर्बानी ये होती चली आ रही है, इंशाल्लाह हमेशा होती रहेगी।